नमस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी कोई फैसला लेते हैं अपने सहयोगी दलों को जरूर चौंका देते हैं जी हां जनता दल यूनाइटेड ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक ऐसा ही फैसला लिया है संगठन की मजबूती के लिए नीतीश कुमार का यह फैसला भले ही सही हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टेंशन इस फैसले से जरूर बढ़ जाएगी क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड में ग्यारह सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर चुकी है जेडीयू ने ग्यारह सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से झारखंड यूनिट के नेताओं ने मुलाकात की और सूची भी सौंपी झारखंड में आपको बता दें कि बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है और सीट शेयरिंग पर आखिरी फैसला बीजेपी आलाकमान से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा जनता दल यूनाइटेड ने 2019 में झारखंड जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2014 में 45 सीटों पर चुनाव लड़ी थी लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाई थी अब सवाल यह कि नीतीश कुमार इस फैसले से क्या जाहिर करना चाहते हैं जैसे क्योंकि झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी अपने आप को मजबूत मानती है नीतीश कुमार की पार्टी वहां पर उभरने की कोशिश कर रही है बीते दो चुनाव से लेकिन अगर नीतीश कुमार की, पार्टी को की जाती है तो जनता दल यूनाइटेड के लिए बड़ी बात होगी वहीं बीजेपी के लिए टेंशन इस बात की होगी कि सहयोगी दलों को क्या वो ग्यारह सीटें देने के लिए तैयार होंगे जनता दल यूनाइटेड की जो झारखंड में स्थिति है उतनी मजबूत स्थिति नहीं है बावजूद इसके जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि संजय झा को जब कमान दी गई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था तब भी नीतीश कुमार का यह बयान आया था कि संगठन की मजबूती के लिए वह ऐसा कर रहे हैं लेकिन अब झारखंड में पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है अब देखना दिलचस्प होगा कि 11 सीटों पर क्या सहमति बनती है या नहीं बनती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कोई अभी बयान नहीं आया है चूंकि ये जेडीयू के संगठन का मामला है और देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जो कि अब केंद्र सरकार में उनकी एक बड़ी भूमिका है और बारह सांसद उनके केंद्र में हैं और मोदी सरकार में उनकी भूमिका बेहद अहम है ऐसे में नीतीश कुमार का कद एनडीए में जरूर बढ़ा है और यह बढ़े हुए कद का फायदा क्या नीतीश कुमार झारखंड विधानसभा चुनाव में उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं यह देखना दिलचस्प होगा वहीं बिहार में जब विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी नीतीश कुमार कितने कारगर साबित होते हैं और भारतीय जनता पार्टी से जो उनकी डील होगी या अन्य सहयोगी दलों के साथ उनकी डील होगी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसमें भी नीतीश कुमार की ही चलेगी सूबे के वो मुखिया हैं और बिना उनके सहयोग के बिहार में भी सरकार नहीं चल सकती और जाहिर सी बात है केंद्र में तो किंग मेकर की भूमिका में तो है ही आपको क्या लगता है ग्यारह सीटों पर जो चुनाव लड़ने का नीतीश कुमार का उनकी पार्टी का जो ये फैसला है अभी तो इस पर औपचारिक ऐलान बाकी है लेकिन अगर ग्यारह सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं वहां पर झारखंड में तो संगठन के दृष्टिकोण से पार्टी के दृष्टिकोण से यह कैसा फैसला है और क्या ये बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश भी है कमेंट करके हमें जरूर बताइए और पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे खबर कैसी लगी ये भी हमें जानकारी दें और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक नमस्कार